कोई वैक्यूम में तो आप है नहीं, एक राज्य में हैं, एक ऐसे राज्य में हैं जहां कई पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं, लगातार लड़ती रहीं। आपको नहीं लगता कि आप जिस पार्टी का इतना विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का, आप चुनाव लड़ेंगे तो फायदा आप बीजेपी का ही करेंगे, क्योंकि आप मेरे सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आप जो वोट लेंगे वो बीजेपी के विरोध का ही वोट होगा, एक उसी में आप एक हिस्सा आप ले जाएंगे, कुछ हिस्सा अखिलेश ले जाएंगे, कुछ कांग्रेस ले जाएगी, कुछ मायावती ले जाएगी, तो आप लोग एक तरीके से बीजेपी की सरकार चाहते हैं अगली बार। दीवान जी, आपको बीजेपी का मतदाता इतना मूर्ख क्यों लगता है? आपको बीजेपी का मतदाता इतना बेवकूफ क्यों लगता है? वो बीजेपी का मतदाता 100 रुपए का पेट्रोल भूल जाएगा? वो बीजेपी का मतदाता कोरोना की महामारी में उसको ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर नसीब नहीं हुआ, बेड नसीब नहीं हुआ, भूल जाएगा? वो बीजेपी का मतदाता कोरोना के समय में उसकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई, गन्ना किसानों को फसल का दाम नहीं मिला, वो भूल जाएगा? आप ये सोचते हैं कि बीजेपी का जो मतदाता है वो किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकता और नाराज नहीं हो सकता? ये एक अजीब बहस मीडिया के अंदर चलाई जाती है कि भाई 30-40% जो बीजेपी का वोट है वो तो घटना नहीं है, बाकी विपक्ष वाले जो लड़ेंगे वो उनके बीच में आपस में बंटवारा हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुआ, यहीं पर पला बढ़ा, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। और दूसरी बात, आप आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। पंजाब हम लड़े, अकाली दल और बीजेपी वहां सत्ता में थी, तीसरे नंबर पर चली गई। गोवा हम लड़े, बीजेपी वहां पर हारी, यह बात अलग है कि उन लोगों ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। मध्य प्रदेश हम लड़े, बीजेपी वहां हारी। छत्तीसगढ़ हम लड़े, बीजेपी वहां हारी। कर्नाटक हम लड़े, बीजेपी वहां हारी। दिल्ली है, दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण, दिल्ली हम लड़े, तीन बार बीजेपी वहां पर हारी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लड़ने का मतलब है बीजेपी की हार सुनिश्चित है, आप याद रखिएगा। तो ये कहना कि जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, अभी तो हम जिला पंचायत लड़े दिवांग जी, 40 लाख वोट मिले हैं पंचायत के चुनाव में, 83 सीटें जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हमें मिली, 40 लाख वोट मिले जी। तो आप बताइए मुझे कि, और यहां बीजेपी हारी जिला पंचायत के चुनाव नहीं में? पर मैं आप अपने सवाल दोबारा, तो आपको नहीं लगता कि आपको वही वोट मिलेंगे जो बीजेपी के विरोध के होंगे? नहीं नहीं, ये हमें सहमत है ना, एकदम ये गलत धारणा है। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, ये गलत बहस मीडिया के जरिए चलाई जाती है कि 30-40% जो बीजेपी का मतदाता है वो तो बिल्कुल टूटेगा नहीं, वो कोरोना की महामारी भी झेल लेगा, वो किसानों की बर्बादी भी झेल लेगा, वो बेरोजगारी भी झेल लेगा, वो टूटी सड़कें भी बर्दाश्त कर लेगा, वो अस्पतालों की बदहाली भी बर्दाश्त कर लेगा, वो नमक रोटी मिड डे मील में भी बर्दाश्त कर लेगा, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। ये धारणा गलत है दिवांग जी, वो 100 रुपए का पेट्रोल बर्दाश्त कर लेगा ना, वो नाराज है इस वक्त और वो नाराज होकर इस बार वोट देगा, और जो पार्टियां उनके मुद्दे की बात करेगी, जो पार्टियां उनकी तरक्की और उनको आगे ले जाने की बात करेगी, उनको वोट देगा वो मतदाता। आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप ये सुनिश्चित करें कि जो बीजेपी विरोध के वोट हैं वो न बटें? आप ये न बटें, मैंने आपसे तो कहा कि बीजेपी के बहुत सारे मतदाता हमें वोट देंगे, आप देख लीजिएगा चुनाव में। चलिए, बीजेपी के वोट हमें मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? क्या बीजेपी के मतदाताओं को आप इतना मूर्ख क्यों समझते हैं? चलिए, वो सब कुछ बर्दाश्त करेंगे फिर भी वोट बीजेपी को ही देंगे, ऐसा क्यों मान के चलते हैं आप जी? ये धारणा बदलनी चाहिए मुझे लगता है। संजय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपने।